सभी को प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे सेफ, स्टे होम, और कोरोना के इस संकट काल में, लॉकडाउन के इस संकट काल में मैं आपके मन की बात, सरकार के मन की बात, जनता के मन की बात, किसान के मन की बात, व्यापारी और उद्योगपति के मन की बात, कर्म योद्धाओं के मन की बात समझ सकता हूँ, और समझ ही नहीं सकता हूँ जो दुर्दशा मैंने अपने कामगार भाइयों की, मित्रों की, सहयोगियों की, परिवार के लोगों की देखी, वह इस टीवी चैनल पे नहीं कही जा सकती। मैं कितना भी कहने की कोशिश कर लूं, फिर भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि ऐसे समय में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह, अपने देशभक्ति के संकल्प को दोहराना और हर क्षेत्र के हर व्यक्ति की ज्यादा से ज्यादा मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। आज का जो सब्जेक्ट है वो यही है कि कोरोना के इस संकट काल में हम सबके क्या कर्तव्य हैं, क्या दायित्व हैं, हम सबके इस देश के प्रति, इस समाज के प्रति और अपने अपने धर्मों के प्रति अनगिनत जिम्मेदारियां हैं। कुछ लोग हमारे अनपढ़ हैं, कुछ लोग हमारे अंधविश्वासी हैं, कुछ लोग अफवाह में बह जाते हैं और कुछ लोग गांव में रहते हैं, लेकिन ऐसे पूरे के पूरे वातावरण में जिस तरीके से हमारे देश की सरकार का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, और उन्होंने हमारे कर्तव्यों को, हमारे दायित्वों को अपने ऊपर लेते हुए हमें सबको एक बात कही कि धैर्य रखो, डॉक्टरों का सम्मान करो, कर्म योद्धाओं का सम्मान करो, कोरोना के रोगियों से ना डरो लेकिन कोरोना को भगाओ। और कोरोना को भगाना ठीक इस तरीके से है जैसे कुष्ठ रोग को भगाना, जैसे आतंक को भगाना, जैसे कुरूतियों को भगाना, जैसे मलेरिया के वायरस को भगाना। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा समय है कि हमें जहां पे घर में भी प्यार से रहना है, क्षेत्र में भी प्यार से रहना है, पुलिस वालों को भी गले लगा के रखना है, और जिन लोगों पे रोजी नहीं है, रोटी नहीं है, उनको भी गले लगा के रखना है। जो लोग रास्ता नहीं जानते और रोजगार के कारण एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश आज पैदल पैदल जा रहे हैं, उनको समझाना हमारी जिम्मेदारी है। और यदि भगवान ने हमें पढ़ाया है, दो पैसे सेवा के लिए दिए हैं, तो हमारा कर्तव्य ये भी बनता है कि जिसको हम दवाई दे सकते हैं दवाई दें, जिसको हम समझा सकते हैं समझाएं, जिसको हम रोटी दे सकते हैं रोटी दें, जिसको हम दिन रात का विश्राम दे सकते हैं विश्राम दें, और जिसको हम
रास्ता बता सकते हैं उसको रास्ता बताएं, और जिसको हम गवर्नमेंट की नीति बता सकते हैं उसको हम गवर्नमेंट की नीति बताएं, उसको हम गवर्नमेंट की नीति बताएं। कहने का कुल मतलब यह है कि हमारे पढ़े लिखे होने का मतलब ये बनता है कि चाहे हमें सैनिटाइज यूज करना हो, चाहे हमें छिड़काव वाली सोडियम हाइपो क्लोराइड प्रयोग करनी हो, चाहे हमें बीमार लोगों को डॉक्टर तक पहुंचाना हो, चाहे हमें उन बहनों की सेवा करनी हो, भाइयों की सेवा करनी हो जिनके परिवार में डिलीवरी हो रही है, और चाहे हमें उन लोगों की सेवा करनी हो जिनके घर में किसी का स्वर्गवास हो गया है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमेशा होती रही हैं, लेकिन आज कोरोना के संकट काल में हमारी ड्यूटी, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व धैर्य रख के परिश्रम करते हुए विश्वास में लेना, खुद भी विश्वास में रहना और आगे बढ़ते जाना है। इतना ही नहीं, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो शासन के लोग हैं, जो मातृशक्ति है, जो अध्यापकगण हैं, उन सबको भी हमारी जरूरत है। और जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, पब्लिक की बात करते हैं, दुकानदारों की बात करते हैं, व्यापारियों की बात करते हैं, टैक्स की बात करते हैं, किसान की फसल की बात करते हैं, महिलाओं के किचन में काम करने की बात करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के खेलने कूदने की बात करते हैं, तो इस सब में हमें कोरोना से बचना है, मास्क लगा के रहना है, धूप से भी बचना है, और एक दूसरे का सम्मान करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए अपने अपने कामों को करते जाना है। किसी भी स्थिति में घबराना नहीं है, सकारात्मक रहना है। जो भी दिक्कत आएगी उस दिक्कत को आजादी की लड़ाई का पाठ समझ के, और आजादी की लड़ाई से भी ज्यादा बड़ा कर्तव्य समझ के, दायित्व समझ के, सबको साथ लेके सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए मास्क लगा के, चाहे हमें मोदी जी वाला ही मास्क लगाना पड़े जो हमारे मुंह पूछने के काम भी आ सकता है, ओढ़ने के काम भी आ सकता है और मुंह ढकने के काम भी आ सकता है, उसको हम प्रयोग करते हुए आगे बढ़े। और इस कोरोना के संकट काल में जो भारत की हाथ जोड़ने की सुसभ्यता पूरे विश्व ने अपनाई है, मैं अपने उन सारे महान लोगों को, अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ जिन्होंने हाथ जोड़ के स्वागत करने की, सम्मान करने की परंपरा को चलाया था। बहुत सारे कर्तव्य ऐसे भी हैं हमारे जो हमारे धर्म की साथ साथ हमारी उम्र की हिसाब से, हमारे काम के हिसाब से, हमारे व्यापार के हिसाब से, हमारे जॉब के हिसाब से हमें अग्रसरित करते हैं। मैं एडवर्टाइजिंग की लाइन में हूँ, मैं मीडिया की लाइन में हूँ, तो मेरी कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया के भाइयों को वे सारी आवश्यक जानकारी समय समय पे देता रहूँ जो जनता जनार्दन के लिए, देश के लिए उपयुक्त हों। इसके अतिरिक्त एडवर्टाइजिंग की जहाँ तक बात है, एडवर्टाइजिंग के माध्यम से भी मैं ऐसी सोच रखूँ और ऐसे काम करूँ ताकि मेरा ये एडवर्टाइजिंग का काम दूसरे लोगों को मार्गदर्शन करने में काम आ सके। मेरे
कर्तव्य और दायित्व की जहाँ तक बात है, मैं इस कोरोना के संकट काल में वह सब कुछ तो नहीं कर पाया जो मुझे सुभाष चंद्र बोस की तरह, योगी आदित्यनाथ जी की तरह, लाल बहादुर शास्त्री की तरह, महात्मा गांधी की तरह, स्वामी विवेकानंद जी की तरह करना चाहिए था। लेकिन मैंने रामायण की गिलहरी की गिलहरी की गिलहरी की गिलहरी की गिलहरी की किसी हिस्से में जरूर काम करने की कोशिश करी, और ये कोशिश करी कि मैं किसी को कुछ दे पाऊं या ना दे पाऊं, लेकिन प्यार से बोलूं, प्यार से बात करूं और सामने वाले के हर कदम को, सामने वाले की हर सोच को कोरोना के इस संकट काल में कर्तव्यनिष्ठ बना के ईमानदारी से आगे बढ़ने के लिए जरूर प्रेरित करूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को पुनः हाथ जोड़कर प्रणाम, कोरोना से बचने के लिए पुनः निवेदन, स्टे सेफ, स्टे होम, जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।